हमारा कोई भी त्योहार आता है तो आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेके एक्साइटेड होते हो? मेरे तो भाई फोटोज और वीडियोस अगर अच्छे आ जाए ना तो दिन ही बन जाता है और हमेशा के लिए सुंदर सी मेमोरी भी क्रिएट हो जाती है। तो अभी जैसे कि होली आने वाली है और होली में अभी कुछ ही दिन बाकी है, तो मैंने सोचा कि होली के लिए कुछ इजी सा बैकड्रॉप तैयार किया जाए जो कि फटाफट से बन जाए। तो आज जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड है और यकीन मानो अगर आप इसे बनाते हैं तो इससे आपकी होली में रंग तो जमेगा ही, साथ ही साथ आपके फोटोज और वीडियोस इतने गजब आएंगे कि इस बार की होली आपके लिए यादगार बन जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ड्राइंग शीट ले ली है और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक्रेलिक कलर्स। आप यहाँ पर एक्रेलिक कलर की जगह वाटर कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ना एक होली के कलर का पैटर्न ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरह से आप या तो डायरेक्ट ब्रश से बना लीजिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए और बाद में कलर को फिल कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले रही हूँ और ग्रीन कलर को भी मैं कुछ इसी तरह के पैटर्न बना के इसमें कलर फिल कर लूंगी। और इसको बनाना बहुत ही ज्यादा इजी और सेटिस्फाइंग है क्योंकि इसमें हमें कोई भी पर्टिकुलर स्केच नहीं ड्रॉ करना है। इसमें जो हमें डिजाइन मन में आ रहा है उधर ही ब्रश घुमा दीजिए और आपकी डिजाइन बन जाएगी। इसी तरह से मैं बाकी के कलर्स को भी यहाँ पर बना लूंगी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अभी अलीगढ़ आई हुई हूँ और मेरा ससुराल और मायका दोनों अलीगढ़ में ही हैं और मैं अभी अपने मायके में हूँ और होली के लिए वीडियो तो बनाना ही था, तो बस मैंने कलर्स निकाले और इजी सा वीडियो आपके लिए बना डाला। यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाने में काफी मजा आ रहा है क्योंकि हल्की हल्की सी धूप भी आ रही है, मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो धूप भी थोड़ी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से 5 शीट्स मैंने यहाँ पर कलर्स की रेडी कर ली है और टेप की हेल्प से मैंने इनको राउंड शेप में चिपका दिया है। तो चलो बेस तो हमारा रेडी हो गया है, अब इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और इसके बाद अब हमें ज़रूरत होगी कुछ कलरफुल दुपट्टों की। तो जो जो कलर के हमने ये बेस बनाए हैं उसी कलर के दुपट्टे का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मम्मी की अलमारी खोली और उसमें जितने भी दुपट्टे थे ना सबको निकाल लिया और बस मैं यहाँ छत पे आ गई हूँ। तो जो हम बैकड्रॉप बनाएंगे वो ऊपर टेरेस पे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने सर्कल बनाए थे ना उनको हम सेलो टेप की हेल्प से इस तरह से चिपका लेंगे और इसका जो सीक्वेंस है ना वो हमें बिबग्योर वाला रखना है, जो रेनबो में सीक्वेंस होता है वही सीक्वेंस से हमें यहाँ पर लगाने हैं। अब इनको तो हमने चिपका लिया है, अब बारी है दुपट्टे को फिक्स करने की। तो इस तरह से दुपट्टे को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और स्टेपलर की हेल्प से इसमें हम स्टेपल करते जाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बाकी के कलर्स के दुपट्टे भी इनमें लगा लेंगे। बैकड्रॉप तो हमारा बनके तैयार है, अब सिटिंग अरेंजमेंट भी कर लेते हैं और इसके बाद देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। हैप्पी होली।